दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश। मैं स्कूल के धमाके को बहुत सीरियसली लेता हूँ। दिल्ली बम धमाके के पीछे खालिस्तान का हाथ। महज 30 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली वालों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज उसी बम धमाके का है जिसने रविवार को दिल्ली के दिल को दहलाया था, और अब आतंकी कनेक्शन की अटकलें भी इसमें जुड़ गई हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस बम धमाके के पीछे खालिस्तान का एंगल भी जुड़ रहा है। पहले आप इस बम धमाके का खालिस्तान एंगल समझिए, फिर आगे की कहानी भी आपको समझाते हैं। जस्टिस लीग इंडिया नाम के टेलीग्राम चैनल पर धमाके का वीडियो मिला। इसी चैनल ने दावा किया है कि बम धमाके के पीछे खालिस्तान था। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम कंपनी से इस मैसेज को लेकर जानकारी मांगी है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में खालिस्तान के एंगल को खंगालने में लग गई हैं। वही बम धमाके का जो वीडियो जस्टिस लीग इंडिया ने सबसे पहले अपने चैनल पर पोस्ट किया, उसके बाद इसी वीडियो को पाकिस्तान के माध्यम से चल रहे कई और टेलीग्राम चैनलों पर भी पोस्ट किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिन पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनलों से ये वीडियो पोस्ट किया गया, वो आमतौर पर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर डीआरएफ को अपडेट देने वाले चैनल हैं। लिहाजा देश के रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस पर बड़ी चिंता जताई है और इसके धमाके के कई और एंगल की तरफ भी इशारा किया है। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अगर आप कनेक्शन निकालेंगे, वहाँ के लोगों का बैकग्राउंड देखेंगे और चेक करेंगे, सब इंटरकनेक्टेड है। उनका मकसद एक ये है कि इंडिया की पूरी बढ़ती हुई जो स्थिति है उसको अपसेट करना, ये है गेम। वही इस धमाके के पहले का ये जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें कुछ लोग संदिग्ध भी पाए गए हैं जो बम धमाके से पहले उसी इलाके में कई बार घूमते दिख रहे हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की है जो इस केस में लीड बन सकते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां बम धमाके के कई और एंगल भी ढूंढ रही हैं, जिस पर रक्षा विशेषज्ञ भी चिंता जता चुके हैं। लिहाजा पुलिस और जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। सुरक्षा एजेंसियां नक्सली एंगल की भी जांच कर रही हैं, आतंकी एंगल से भी इस मामले में जांच हो रही है। इस बम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एफएसएल दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनआईए की टीमें जांच कर रही हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञ इस बम धमाके पर ऐसे ही परेशान नहीं हैं, इसके पीछे कई कारण भी हैं। अब जरा आप इस वीडियो के पीछे की कहानी भी समझिए तो आपको ये कारण भी समझ में आएंगे। ये वीडियो ठीक बम धमाके से पहले का है। बम धमाके का दिन रविवार था और बम धमाके की जगह सीआरपीएफ स्कूल यानी रविवार को छुट्टी थी। सोचिए अगर स्कूल खुला होता तो उस दिन दिल्ली में क्या होता। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जो बम धमाका हुआ है, इसका असर इतना तेज था कि रोहिणी इलाके में आसपास के घरों के कांच, दुकानों के होर्डिंग्स और जहां पर धमाका हुआ वहां तो जमीन में गहरा गड्ढा हो गया और स्कूल की मोटी दीवार में तो बड़ा छेद हो गया। अगर एनआईए और एनएसजी की टीम आई है, इसका मतलब कोई सुराग है उनके पास। धमाके की इंटेंसिटी देखी जाए, उसने नुकसान क्या किया, सुनने में आया है कि दीवारों में क्रैक हो गए। अगर इतनी इंटेंसिटी का धमाका हुआ है, इसका मतलब है कि ये साजिश जो जिसकी हम कहते हैं, ये इज अ पार्ट ऑफ द गेम विच इज गोइंग ऑन। क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन? जितने बॉम्ब होक्स हो रहे हैं, ट्रेन के ट्रेन में धमाके हो रहे हैं, पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, टनल्स में ऑपरेट करने में अपने लोग मारे जा रहे हैं, ये सारा एक साथ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि भारत का प्रोग्रेस देखा नहीं जाता। इस बात से कतई नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ समय
से देश विरोधी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें साजिश के एंगल भी मिले हैं। ऐसे में इसी समय पर बम धमाके की हुई घटना को कोई आम घटना मानना बड़ी चूक ही होगी, लिहाजा जांच एजेंसियां भी इससे कोई ढील देना नहीं चाह रही हैं। इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, स्कूल के आसपास के हजारों मोबाइल नंबर भी चेक किए जा रहे हैं। सोमवार को धमाके के स्पॉट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को घटनास्थल से संदिग्ध सफेद पाउडर भी मिला। दिल्ली में हुआ बम धमाका कितना खतरनाक था, इस वीडियो में उठता हुआ धुएं का गुबार इस बात की गवाही दे रहा है। अब इस धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विस्फोटक को लेकर भी कई अहम खुलासे किए हैं। विस्फोटक को स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में रखा गया। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छुपाया गया। इसके बाद विस्फोटक को कचरे से ढक दिया गया ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुए इस धमाके से पूरे दिल्ली में डर का माहौल बन गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने के लिए ये साजिश उस समय रची गई है जब फेस्टिव सीजन चल रहा है। दिवाली को लेकर बाजारों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है, लिहाजा अब इस धमाके ने लोगों की दिवाली भी खराब करने की कोशिश की है। इसलिए इसे चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश के रक्षा विशेषज्ञ तो इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के भी इसमें शामिल होने की आशंका जता रहे हैं, लिहाजा जांच एजेंसियां भी सजग हो गई हैं और मामले की जांच हर एंगल से हो रही है।